बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर आपके साथ है और 11th क्लास इस्लामियत के मैं एमसीक्यू शेयर करूंगा। अगर आप लोग 10 नंबर पक्के करना चाह रहे हैं, सिर्फ ये वीडियो देख लें, वीडियो आपने सुन लेनी है। आप लोगों के 10 नंबर पक्के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इस्लाम के लगवी माने हैं हुक्म मानना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जी, वो कहते हैं इस्लामियत है, हमें आती है, नंबर तो ले लेंगे, छुट्टियों की बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप लोग बेशक पेपर देख के चेक कर लें, आपको 25-30 आएंगे। अगर आप लोग पूरी तैयारी नहीं करेंगे या जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो प्रिपेयर नहीं करते, सो लिहाजा लाजमी तौर पे पूरी तैयारी करें अपनी। ईमान के लगवी मानी है यकीन करना। अमले साले की इकसाम है 3, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी आप लोगों का इबादत के लगवी मानी है तायतोबंद की। इखलाक जमा है इसका वहद या खुल। इखलाक के लगवी मानी है अदाद। अकीदा के लगवी मानी है गिरा लगाई हुई चीज़। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी इस्लाम के बुनियादी कायद कितने हैं? 7, ठीक है। अकीदा तौहीद, ठीक है। तौहीद के लगवी मानी है यकता मानना। इस्लाम के पुख्ता वाटरल नज़रियात को क्या कहते हैं? अकायद, ठीक है, जिसमें होता है अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के रसूलों पर ईमान, वो वाले। तौहीद की कितनी इकसाम हैं? 3। कुरान मजीद की सूरत की इस सूरत को सूरत तौहीद भी कहा जाता है, सूरत इखलास को, ठीक है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के एक होने पर ये बताया जाता है जी। शिरक के लफ्जी मानी है हिस्सेदारी। तौहीद का मतजाद लफज है शिरक। शिरक की इकसाम होती हैं 3। कुरान करीम में किस गुनाह को जुल्म अज़ीम कहा गया है? शिरक। मुनीम हकीकी है अल्लाह ताला। कादिर मुतलक और मुसबब अल सबाब किस को कहा जाता है? ठीक है, अल्लाह ताला को। तवक्कुल आला से अल्लाह से मुराद है अल्लाह पर भरोसा करना। रसूल के लफ्जी मानी है पैगाम देने वाला। नबी के लफ्जी मानी है खबर देने वाला। कुल अंबिया कितने हैं? 1,24,000। खातम नबीजीन किस नबी को कहा जाता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबीजीन होने का जिक्र इस सूरत में है, सूरतुल अहज़ाब। अबू अल बशर किस नबी को कहा जाता है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। जद्दल अंबिया किस नबी का लकब है? हज़रत इब्राहिम। इसराइल किस नबी का लकब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। इसी तरीके से जी आदम सानी किस नबी को कहा जाता है? हज़रत नूह। कलीमुल्ला किस पैगंबर को कहा जाता है? हज़रत मूसा। अरबी में ख़त्म के मानी है मोहर लगाना। मलाइका का लफ्ज़ जमा है, इसका वाहद है मालिक, ठीक है। इसका आई थिंक मालिक है या ये वाला है, आई थिंक इसका ये आंसर है। सॉरी मैंने गलती लगा ली। देखें ये जो आंसर बोल्ड किए हुए हैं ना, ये देखें आपको दिख जाएगा, जो आंसर थोड़ा सा हाईलाइट है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये इसका नहीं है, मैंने देखा भी नहीं था, मैं तो वैसे ही लगा रहा हूँ। मलाइका के लफ्जी मानी है कासद, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर भी दिए हुए हैं। तो जैसे आप लोग चैनल पर आएंगे, आते ही चैनल सब्सक्राइब करके अभी सब्सक्राइब कर दें, फिर नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। 300 स्टूडेंट्स की फैमिली होने वाली है जल्दी जल्दी, माशाल्लाह हमने 3,00,000 स्टूडेंट्स जमा कर लेने हैं, 300K होने वाले हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फिर आपने वीडियोज़ के अंदर आना है। जैसे आप वीडियोज़ में आएंगे, यहाँ पर पेपर स्कीम मैंने बता दी है कि कितने चैप्टर में से क्या क्या आएगा। इस्लामिया का पेपर बकायदा बता दिया कि क्या क्या आपने करना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। यहाँ से देखिए मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से आपने बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया कि रहें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक जो है वो वीडियोज़ पहुँच जाती हैं। सो लाजमी तौर पर इन चीज़ों को फॉलो किया करें। देखें बकायदा बुक से जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या करना है और क्या छोड़ना है, तो लाजमी तौर पर देखिएगा। इसके अलावा पेपर स्कीम जो है वो भी अपलोड है, आप लोग इनको वीडियोज़ को भी देख लें और देख कर जो अच्छे मार्क्स ले लें। यहाँ से वीडियो को लाइक कर दें, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप लोग नीचे जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी तौर पर पूछ सकते हैं यहाँ पे। सो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट है हज़रत मिकाइल अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारी क्या है? रिज़क देना। हज़रत इसराफ़ील की ज़िम्मेदारी क्या है? सूअर फूंकना। कब्र में सवाल करने वाले फरिश्तों को कहा जाता है मुनकर नकीर। अल्लाह ताला का खलीफा है, ठीक है, आई थिंक इसका इंसान है। दुनिया के लगवी मानी है इसका भी जो है वो दुनिया के लगवी मानी है फ़नी, ठीक है। आई थिंक इसका ये है, देख लीजिएगा, बाकी इसका आंसर जो है नहीं लगा हुआ यहाँ पे। आखिरत के मानी है जी बाद में आने वाली चीज़। आसमानी किताबें कितनी हैं? बहुत सी या 4? आई थिंक इसका 4 आएगा, ठीक है, यह गलत है यहाँ पर। हाँ मे बी हो सकता है ये बहुत सी हों, और मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं, ठीक है। ये बुक में एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा, इसका आंसर नहीं है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़िएगा, काफ़ी कन्फ्यूजन डाल सकता है ये आपको पेपर में। तशखस के लफ्जी मानी है शनाख्त करना, ठीक है। सतून 5, दुआ 10 नबी। इसी तरीके से नमाज की इकसाम हैं 4, 700 मरतबा सोम रोकना,
मुसलमानों पर रोजे का फर्ज है 2 हिजरी। इस्लाम में कितने रोजे रखने मना है? 5। इस रोजा की इकसाम 4। रोजा का असल मकसद है जी ज़ब्त नफ्स। हज़रत अकरम ने इस महीने को मवासात और गमगुसारी का महीना करार दिया है रमज़ान। रमज़ान में कुल कितने अशरे होते हैं? 3। रमज़ान के पहले अशरे को कहा जाता है अशरे रहमत। रमज़ान के दूसरे अशरे को कहा जाता है अशरे मगफरत। रमज़ान के तीसरे अशरे को क्या कहा जाता है जी? अशरे निजात मन अलनार। इस रात की इबादत 1000 साल की इबादत से अफजल है शबे कदर। तश्कील पाकिस्तान इस महीना में हुई थी रमज़ान में। इतकाफ़ लगवी मानी है ठहरना। इतकाफ़ में बैठना क्या होता है जी? सुन्नत होती है। ज़कात के लफ्जी लगवी मानी है पाक करना। ज़कात की फर्जियत का हुक्म कब आया जी? 2 हिजरी। ज़कात के कुल कितने मसारफ हैं? 8। किन चीज़ों पर ज़कात नहीं दी जाती? ज़ाती इस्तेमाल की अशिया। अहदीस मुबारक ज़कात में किस इबादत को आंखों की ठंडक करार दिया गया है? नमाज। रुकू की लफ्जी मानी है झुकना। तरावी की अदायगी क्या है? सुन्नत। नमाज जुमा कब फ़र्ज हुई? हिजरत के दौरान। ईद की नमाज में कितनी ज़ाई तकबीरात कही जाती हैं? 6। क़यामत के दिन सबसे पहले सवाब होगा नमाज का। गम्स का के माने हैं 5वां। गम्स कौन से माल से अदा किया जाता है? मालिक नीमत। ज़कात की सालाना शरह 2.5%। हज के लगवी मानी ज़ियारत का इरादा करना। हज किस सन में फ़र्ज हुआ? 9 हिजरी को। हज के मुनासक की तादाद है जी 9। ज़िंदगी में हज कितनी मरतबा फ़र्ज है? 1। 8 से 12 जिला हज की कितनी इकसाम होती हैं? 3। हज के लिए जो लिबास पहना जाता है हराम। तलबिया कोशिश करना। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ने को कहते हैं सा करना। रोज़ा किस किस्म की इबादत है? बदनी। गज़वा लताइफ़ में ताइफ इस सन हिजरी में हुआ था 9। बैत रिज़वान इस सन हिजरी में हुई थी 6। हज के दौरान शैतान को कंकड़ी मारने के अमल को रमी कहा जाता है। सो उसके बाद है जी हज के दौरान इसे जामिया इबादत कहा जाता है हज को। ठीक है। इबादत की कबूलियत के शराइत है जी नीयत। महज़ सुलह हुदैबिया इस साल हुआ था 2 हिजरी। जहाद के लगवी मानी कोशिश करना। जहाद अकबर इस जहाद को कहा जाता है जहाद बिल नफ्ज़। जहाद का फ़र्ज हुआ 2 हिजरी। ऐसा जहाज जिसमें रसूल अकरम खुद शरीक होंगे कहलाता है गज़वे बदर। ऐसा जहाज जिसमें रसूल अकरम खुद शरीक ना हो सरैया। गज़वे बदर किस सन में पेश आया? 2 हिजरी। गज़वे अहद किस सन में पेश हुआ? 3 हिजरी। गज़वे बदर में कितने मुसलमान मजाहद थे? 313। गज़वे खंदक वालदैन का नाफरमान। पड़ोसी की इकसाम 3। फ़ायद के मानी वादा पूरा करना। अदल के लगवी मानी है तवाज़न कायम रखना। कसब के लगवी मानी कमाना। एसार के लगवी मानी तरजीह देना। अफसार के लगवी मानी मदद करना। तोहमत से क्या मुराद है? झूठा इल्ज़ाम लगाना। मुनाफा की कितनी निशानियाँ? 3। तकब्बर के क्या मानी है? खुद को बड़ा समझना। असवा के मानी है नमूना। सब्र के लगवी मानी रोकना। आप शब अबी तालब में कैद रहे 3000। अबू लहब हज़रत अकरम का था चचा। इसकी बीबी हज़रत अकरम के रास्ते में कांटे बिछाती थी। अबू लहब मसावात के लगवी मानी है बराबरी करना। तो भाई ये सारे MCQs हैं। मैं पेजेस डाउन कर देता हूँ। आपने सारे MCQs जो है वो एक दफ़ा पढ़ लेने हैं। ठीक है। ये अगला पेज है जी। ये उससे अगला पेज है। ये उससे अगला पेज है जी। और ये है जी आप लोगों का लास्ट पेज। ठीक है। तो भाई यहाँ तक MCQs हैं। आपने तमाम MCQs जो है वो अच्छे से पढ़ लेने हैं। सूरह अरबा में कितनी किताबें शामिल हैं? 4। इंशाल्लाह ताला जिस बच्चे ने इसे सारे MCQs पढ़ लिए उस बच्चे का पेपर 100% डन हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई है लाजमी तौर पर अभी लाइक कर दें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें ताकि अगर कोई मजीद अपडेट्स आती हैं मजीद को अहम आपके लिए पेपर आता है वो पेपर आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह करे कि आप सभी का ये वाला पेपर भी आसान आए और आप लोग इसमें भी अच्छे मार्क्स ले लें।